नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूंगा एक दिग्गज केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो केमिकल जितने सारे इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के सेक्टर होते हैं। सेक्टर मतलब सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, मतलब उसका फील्ड जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलिए एशियन पेंट, वो भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ मान के चलिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ मान के चलिए यूपीएल, वो भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ मान के चलिए एसआरएफ, वो भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात मतलब एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आज के दिन एसआरएफ के बारे में, क्योंकि एसआरएफ मेरे सबसे पहले पहले बता दूं, मेरा फेवरेट स्टॉक भी है। तो ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरा फेवरेट है। मतलब आप सोचेंगे कि मेरा फेवरेट है तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बात नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा कंपनी के डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, फंडामेंटल डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपको इस वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, और तभी आप दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं सारे डिटेल्स के बारे में। तो मैं हमेशा के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब निवेश करने से पहले, कोई भी कंपनी के ऊपर स्टडी करने से पहले, मैं एक बार उस कंपनी का डिटेल्स और वेबसाइट एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो एसआरएफ का जो वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और कंपनी किस तरीके से उसका प्रोजेक्ट को फैला के रखा है। तो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी एक्चुअली जो केमिकल इंडस्ट्रीज से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को केमिकल इंडस्ट्रीज से आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, तो इस कंपनी स्पेशलिटी है केमिकल बिजनेस में, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और भी अदर सेक्टर में केमिकल्स बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट, तो पैकेजिंग एंड फार्म्स, तो सॉरी पैकेजिंग एंड फिल्म्स बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, यहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और सबसे देखिए बड़ी बात, कंपनी फ्लोरोकेमिकल बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी और भी देखिए कि कौन सा टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं, कोटेड फैब्रिक बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं, यहाँ पे देखिए लैमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो लैमिनेटेड फैब्रिक जो है वो एक्चुअली रोड में लगाया जाता है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो फील्ड है वो देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। कोई भी एक फील्ड मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं लगा, तो मतलब सॉरी फ्यूचर ओरिएंटेड लगा, कोई भी फ्यूचर ओरिएंटेड ना होने का कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी का हर डिपार्टमेंट, हर जो सेक्टर जिसमें कंपनी काम कर रहा है, वो हर सेक्टर फ्यूचर में ही ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। अभी तो ग्रोथ हुआ ही है, फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी का इंडस्ट्रीज ही बता रहा है कंपनी फ्यूचर में और भी अच्छा खासा काम करने वाला है। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी देख लेता हूँ कंपनी के बाकी डिटेल्स। तो पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, मतलब कुछ डिटेल्स दिखाने के ऊपर। तो आप स्कैनर इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तो आप खुद जाकर स्टडी भी कर सकते हैं। देखिए किसी का हेल्प नहीं लेना है, हाँ आपको पास टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियो 10 मिनट देख लीजिए, आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का देखिए, जो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1970 से, तो करीबन करीबन देखा जाए तो कंपनी 50 ईयर्स हो चुके हैं अभी कंपनी का टाइम पीरियड, तो कोई खराब पीरियड नहीं है, अच्छा खासा हुआ है। और यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कंपनी का की पॉइंट जो है, केमिकल बिजनेस से कंपनी का 43% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्लोर केमिकल के ऊपर, फार्मा प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा केमिकल के ऊपर बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर भी काम करते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर भी काम करते हैं। तो ज्यादातर कंपनी केमिकल से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद देखिए कंपनी का पैकेजिंग के ऊपर 40% रेवेन्यू आते हैं, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट से भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जेनरेट होते रहते हैं 40%। और यहाँ पे देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर कंपनी 14% तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और एक चीज यहाँ पे कंपनी का आधा से जो बिजनेस है
जो मैं आपको दिखाया हूँ वो 3% तक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जियो फिजिकली जो कंपनी का फार्म है, करीबन करीबन 90 कंट्रीज के साथ, 19+ कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं, और जिसमें जर्मनी में 7%, यूएस से कंपनी को टोटल बिजनेस मिलता है 6%, स्विट्जरलैंड में 6%, साउथ अफ्रीका में 5%, और यहाँ पे देखिए बेल्जियम से 5%, और थाईलैंड में 2%, और भी बाकी अदर्स सेक्टर से, अदर्स कंट्री से 20%। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बहुत फैला हुआ है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है। अब बाकी डिटेल्स भी देख लीजिए, तभी आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। तो जो कंपनी 12,000 12,500 रुपये में चल रहा था, अभी वो 2,500 में आपको मिल रहा है। तो इसका जो कारण है, 2,500 अभी नहीं है, 2,500 तक आ गया था क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया था, 1:10 रेशियो का बोनस दिया था। तो इस बोनस के लिए ही कंपनी आपको प्राइस रेंज 10% डाउन किया, तो इसलिए आपको 2,500 प्राइस में देखने को मिला था। तो जब इस कंपनी का शेयर गिर रहा था, तब मैं आपको बार 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 इसके ऊपर वीडियो बना के बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर अभी मौका है, निवेश जरूर करिएगा। तो वो टाइम तो गया, अभी क्योंकि कंपनी हाई लेवल में, टॉप लेवल में फिर से खड़ा हो चुके हैं। कंपनी 52 वीक का हाई में ही काम कर रहा है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 80,000 करोड़ है, और कंपनी का पी रेशियो 48 है। चलो पी रेशियो इतना हाई है, फिर भी लोग इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी इतना वेस्ट है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 50% कम है, 27 है। कंपनी का डेप्थ जो ना के बराबर है, क्योंकि देखिए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.45%, ओवरऑल 3,375 इसका डेप्थ है, और एनुअली जो इनकम है वो 1,198 इसका एनुअली इनकम है, और डेप्थ जो है वो 3,376 है। कैश फ्लो जो है वो 567 है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो 56 है, मतलब कोई खराबी अर्निंग पर शेयर नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर कंपनी देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे एक एवरेज लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। और एक चीज, कंपनी का जो इन्वेंटरी डे, कंपनी का इन्वेंटरी डे थोड़ा सा ज्यादा दिन यहाँ पे लग रहा है कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए और मार्केट में उसको बेचने के लिए, तो 133 डेज लग जा रहा है क्योंकि, और यहाँ पे एक अच्छी बात है, कंपनी के हाथ में 55 डेज में ही पैसा आ जा रहा है माल को सेल करने के बाद, और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 48 है, तो ये भी एक ठीक ठाक लेवल में है। तो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे ठीक देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से, मैं पहले ही बता दूं एसआरएम नंबर वन है। हाँ पिडिलाइट अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फिर भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो नंबर वन है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। तो और एक चीज, मैं कंपनी के हर क्वार्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया। कोरोना के सिचुएशन में आप देखेंगे तो मार्च जून इस पीरियड में भी कंपनी प्रॉफिट उतना कम नहीं किया, अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। साल भर में देखेंगे तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट करते आया है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। कभी कंपनी 2 डिजिट में काम कर रहा था, मतलब 2 डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था, अभी कंपनी करीबन करीबन 4 डिजिट में कंपनी काम कर रहा है, तो 3 डिजिट से 4 डिजिट तक आ चुके हैं, अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए रिटर्न देखने से पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना चाहिए, चारों तीनों के तीनों डिटेल्स जबरदस्त है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो देखने का लायक है, क्योंकि मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मुझे अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा फोकस मिलता है। तो देखिये कंपनी आपको एवरेज 50% के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है, वो भी सालाना। आप देखिए 10 साल में 50% का रिटर्न, मतलब आप समझ लीजिए आपका फंड का कितना गुना हो चुके हैं, आप कितना गुना फंड हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, तो इस तरीके से फायदा आपको मिला है। देखिए कंपनी डिविडेंड कितना बार दिया, साल भर में 3-4 बार करके कंपनी डिविडेंड दे रहा है। बोनस तो कंपनी एक बार दिया 4:1 के रेशियो में, और बायबैक देखिए कंपनी बायबैक भी लेके आए थे, तो अच्छा खासा एक यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कंपनी के देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा, देखिए एफआईएस ने पहले 17% था, अभी 19% होल्डिंग एफआईएस के पास है। प्रमोटर के पास 50.73% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 9.16% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना 21% होल्डिंग है। और यहाँ पे जो पब्लिक है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे माल उठा के रखा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वो देखिए 1.20% का होल्डिंग है, SBI लाइफ इंश्योरेंस वो भी देखिए 1% का होल्डिंग है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
वो देखिए 1.14% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो जरूर पेशेंस के साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए आपको हर पैरामीटर दिखा दूं, हर चार्ट दिखा दूं, तो आपको हमेशा के लिए पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, कभी भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। इसका ट्रेंड भी जब देखेंगे कितना शानदार रैली, तो कितना शानदार रैली है इस कंपनी का, तो इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश नहीं है तो जरूर आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।